नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से मैं आर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। दोस्तों, आज हम सभी लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली एक महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसका नाम है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आवेदन प्रारंभ हो चुका है और आवेदन के साथ साथ आपकी तैयारियां भी जोरों पर है। लेकिन अभी भी कुछ लोग इस असमंजस की स्थिति में है कि तैयारी को हम कहां से शुरू करें, सर्वप्रथम क्या पढ़े, किस प्रकार से पढ़े कि पहले ही प्रयास में हम आरओ या एआरओ बन जाए। तो दोस्तों, बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। संस्थान के माध्यम से रवि सर के कुशल निर्देशन में समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी का बैच प्रारंभ है। यदि आपको इस बैच से जुड़ना है या यदि आपको कोई भी समस्या है, तो सबसे पहले बैच से जुड़ने के लिए बताऊं क्या प्रोसेस है। आपको एंट्री आरओ एआरओ 2021 लिख करके दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा, और अगर आपको सिलेबस से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमें दिए गए इन नंबर्स पर संपर्क करके किसी भी समस्या का समाधान तुरंत कर सकते हैं। बल्कि फास्ट स्लीप उतना तेजी से आराम नहीं करेगी जितना इन नंबरों पर फोन करने के बाद आपकी समस्या का समाधान होगा। तो दोस्तों, आज हम समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान विषय, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है, एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, लगभग 15 से 20 प्रश्न यहां से बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और विशेषकर टॉपिक। आप देखिए, अगर आप प्रीवियस में हुए समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी के प्रश्नों पर एनालिसिस करेंगे, गौर करेंगे, तो आपको एक बात मिलेगी, यहां जो प्रश्न बनते हैं वो पीसीएस और आईएस के बीच में होते हैं। यानी यहां पर बनने वाले क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो अपर पीसीएस से थोड़ा सा अलग होता है दोस्तों, और यूपीएससी से थोड़ा सा कम होता है। तो दोनों के बीच का लेवल होता है। आप जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आरओ और एआरओ का, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि पीसीएस की परीक्षा में जहां बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर, लेकिन दोस्तों यहां पर क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित बनते हैं। बता दें आप सभी दोस्तों, संस्थान में जो बैच प्रारंभ है, इस बैच में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, पहली बात तो आपको जो बोर्ड का मटेरियल जितना पढ़ाया जाएगा वो दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको प्रिंटेड नोट्स, हाथ से लिखे हुए नोट्स यानी हैंड रिटन नोट्स दोस्तों, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस जो मिलेगी वो टॉपिक वाइज रहेगी। जैसे एक टॉपिक हमने खत्म किया तो उसका प्रैक्टिस, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, और अंततः आपको मैराथन क्लास के साथ साथ कुछ और भी प्रैक्टिस मुहैया कराई जाएंगी। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहां पर सामान्य विज्ञान विषय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है फाइबर। तो आज हम फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के विषय में बातचीत करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि रेशम का कीड़ा बॉम्बेक्स मोराई, उसके किस भाग से कोकून प्राप्त होता है, या रेशम सबसे पहले कहां बनाया गया, सबसे उच्च क्वालिटी का जो ऊन होता है वो किस प्रकार की बकरी से प्राप्त होता है, पश्मीना का नाम आपने सुना ही होगा। दोस्तों, यहां पर बात करेंगे हम लोग पॉलिस्टर के बारे में, कार्बन कार्बन के 6 और 6 अणु जहां पर होते हैं, नायलॉन 6, यानी कि दोस्तों नायलॉन 6 और नायलॉन 6 की बात करेंगे। इसका यूज कहां होता है, जो टायरों के दोस्तों रबर होते हैं वो कैसे बने होते हैं, तो टायरों में वायर होते हैं वो कैसे बने होते हैं, वायलिन का वायर, वायलिन बजाते हैं आप लोग, तो वायलिन का वायर कैसे बनता है, इसके विषय में बात करेंगे। आखिर मच्छरदानी या पैरासूट, मछली का जाल, जो मछली का जाल होता है दोस्तों वो फाइबर होता है, रेशा होता है, नायलॉन होता है। बता दूं आप सभी को, नायलॉन इतना मजबूत होता है, इतना प्रत्यास्थ होता है, इतना मजबूत होता है कि इस्पात से भी मजबूत होता है। तो इस बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। तो जितने भी क्वेश्चन यहां से बनते हैं, टेरिलीन के बारे में बातचीत करेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे बनाते हैं, केवलर के बारे में, ये सब क्या होते हैं, पॉलीकार्बोनेट क्या होता है, तो सबके विषय में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करें रेशा। रेशा क्या है दोस्तों, फाइबर क्या है। देखिए, अगर हम बात करें यहां पर आप सभी से, रेशा यानी कि फाइबर क्या होता है, रेशा यानी कि फाइबर। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या बात करेंगे यहां पर कि फाइबर क्या है, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। अगर फाइबर की बात करी जाए तो दोस्तों हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं, किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों से बने महीन तंतु को हम क्या कहते हैं, रेशा कहते हैं। दोस्तों क्या बोल सकते हैं इसके बारे में परिभाषा, हम कह सकते हैं कि किसी
किसी प्राकृतिक व कृत्रिम, किसी प्राकृतिक व कृत्रिम कृत्रिम पदार्थों से बने पदार्थों से बने पतले तंतु को रेशा कहते हैं। रेशा कहते हैं दोस्तों, यानी कोई भी पतला तंतु है जो कि प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों से बना होता है उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, रेशा कहेंगे। यही होता है रेशा। जैसे कि आप देखिए, आपने देखा होगा ऊन के बारे में दोस्तों, ऊन कैसा होता है, बहुत पतला होता है, लेकिन दोस्तों कैसे बनता है, यह भी महीन तंतु का बना होता है। कपास यानी कि कॉटन के कपड़े हम लोग पहनते हैं दोस्तों, कपास, या इसके साथ देखिए पेड़ों की छालों से भी प्राप्त होता है, पेड़ों की छाल से मिलता है दोस्तों, या फिर जंतुओं से मिलता है, जंतु से प्राप्त होता है, और साथ साथ दोस्तों क्या होता है, अन्य से निर्मित, यानी ये रेशा है दोस्तों। बस एक ही परिभाषा इसकी हम दे सकते हैं, हालांकि कोई परिभाषा इसकी नहीं होती, परंतु हम कह सकते हैं किसी प्राकृतिक व कृत्रिम पदार्थों से बने पतले तंतु को रेशा कहते हैं। रेशा ऊन का बन सकता है, कपास का बन सकता है, पेड़ों की छाल का बन सकता है, जंतुओं के बाल का बन सकता है, इन सबका रेशा बन सकता है। अब रेशा क्यों महत्वपूर्ण दोस्तों, हम लोग कपड़े पहनते हैं ये हमारी प्रतिष्ठा का स्वरूप है दोस्तों, कपड़े पहनते हैं ये हमारी सुरक्षा करता है दोस्तों, कपड़े पहनते हैं ये हमें सुंदर दिखाता है, हमारी पर्सनालिटी को शो करता है दोस्तों। तो कपड़े कैसे बनते हैं, रेशे के बने होते हैं। कपड़े के साथ साथ आप देखिए घरों में पर्दे लगे होते हैं, कारपेट लगी होती, चादरें बिछी होती हैं, हम लोग कंबल ओढ़ते हैं गर्मी में, स्वेटर पहनते हैं, अगर ये सब बिल्कुल नहीं बनेगा अगर रेशा नहीं होगा दोस्तों, तो अगर रेशा नहीं होगा तो ना तो कपड़े हमें मिलेंगे, ना तो कारपेट मिलेगी, ना चादर मिलेगी, ना पर्दे मिलेंगे, ना हमें जैकेट पहनने को मिलेगी, ना हम सूट पहन पाएंगे, ना हम कंबल ओढ़ पाएंगे, तो ये सब कहां से मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो देखिए दोस्तों, रेशा जो है इसको हमने डिवाइड भी किया हुआ है, रेशे को हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, तो दोस्तों तीन प्रकार का रेशा कुल देखने को मिलता है, हालांकि दो ही प्रकार लोग बताते हैं, लेकिन यहां आपको बताएंगे हम तीन प्रकार का। जो फाइबर होता है वो दोस्तों तीन प्रकार का होता है, आइए देखते हैं कौन कौन से फाइबर होते हैं तीन प्रकार के, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहां पर। तो दोस्तों फाइबर देखिए, पहला जो होता है उसको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर, यानी कि प्राकृतिक रेशा। देखिए दोस्तों पहला हो जाएगा नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक रेशा। अगर हम प्राकृतिक रेशा की बात करें, नेचुरल फाइबर की बात करें, तो प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होने वाले रेशे को प्राकृतिक रेशा कहते हैं दोस्तों। एक होता है संश्लेषित रेशा। क्या होता है? संश्लेषित रेशा मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया रेशा क्या है, यह है कृत्रिम रेशा या संश्लेषित रेशा। और इन दोनों के बीच प्राप्त होता है दोस्त, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसको हम कह देते हैं मिश्रित रेशा दोस्तों, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फाइबर। तो आप देख लीजिए खुद, पहला नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर दोस्तों, और फिर क्या है, मिक्स्ड फाइबर है। और अगर हम बात करें प्राकृतिक रेशा की, तो इसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ नेचुरल फाइबर, तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि जंतुओं, पौधों और धातुओं से प्राप्त। कैसे मिलता है ये जंतुओं से मिलता है। जैसे क्या, जैसे ऊन मिलता है भेड़ से, बकरी से, जंतु, पौधों व धातुओं से प्राप्त। अब आप कहेंगे कि धातु से कैसे मिलता है, धातु से बिल्कुल मिलता है। जरा एक बार गौर करिए आप, सोने का अगर एक ग्राम सोना है, उसको तान करके, पतला करके 200 मीटर का तार बना सकते हैं, ठीक है। सोने की साड़ी जो बनती है ना, वो ऐसे ही तो बनती है। तो दोस्तों ये जंतु, पौधों और धातुओं से मिलता है। जैसे आप यहां देखिए कपास नेचुरल फाइबर दोस्तों, सेमल देखिए क्या है, नेचुरल फाइबर है दोस्तों। इसके बाद आप कह सकते हैं यहां पर ऊन दोस्तों क्या है, नेचुरल फाइबर है। बाल देखिए, बाल भी तो रेशा ही है दोस्तों, ये भी क्या है, नेचुरल फाइबर है। और हम कहेंगे सोना और चांदी के तार, सोना व चांदी का तार, का
तार जो बहुत महीन महीन होता है दोस्तों, कैसे बनता है? वो भी बनता है प्राकृतिक रेशा कहलाता है। अगर बात करें हम लोग कृत्रिम रेशा की, तो देखिए ऐसा रेशा जो मानव के द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है, कृत्रिम रूप से प्राप्त जो रेशा होता है, कृत्रिम रूप से प्राप्त जो रेशा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संश्लेषित रेशा दोस्तों, इसको हम कहते हैं कृत्रिम रेशा। जैसे कि आप देखेंगे अभी पढ़ेंगे तो रेयान पढ़ेंगे आप लोग, नायलॉन पढ़ेंगे आप लोग, ये सब क्या होता है? रेयान है, रेयान है, नायलॉन है, नायलॉन है दोस्तों, पॉलिस्टर है, क्या है? पॉलिस्टर है। ये सब ऐसे ऐसे रेशे होते हैं जिनको हम कहते हैं कृत्रिम रेशा। पॉलिस्टर से ही बनता है, डेकरॉन बड़ा ही फेमस है, डेकरॉन के बारे में बताएंगे कि डेकरॉन से कैसे टेरीवूल बनता है, टेरिकॉट जो हम लोग कपड़े पहनते कैसे बनता है डेकरॉन के द्वारा। दोस्तों यहां देखिए मिश्रित रेशा जो प्राकृतिक भी हो, क्या हो? जो प्राकृतिक भी हो और कृत्रिम भी हो, दोनों के बीच का हो, जो प्राकृतिक हो और कृत्रिम हो दोनों के बीच का दोस्तों होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मिश्रित रेशा। अभी आपके सामने ऐसे बहुत सारे रेशे आएंगे आपके दोस्तों, आरनाल आएगा या पॉलिस्टर जो है आरनाल दोस्तों आएगा, टेरीवूल आएगा, टेरीकॉट आएगा, कॉटन फाइबर आएगा, तो हम बात करेंगे अभी सब इसके बारे में, ठीक है? उनको हम कहते हैं मिश्रित रेशा, जो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रेशों के संयोग से बनते हैं उनको हम बोलते हैं मिश्रित रेशा। आइए यहां पर बात करते हैं हम कि क्या होते हैं प्राकृतिक रेशे, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्राकृतिक रेशों को बेसिकली हम क्या करते हैं, इनको हम दो तीन प्रकार से बांट सकते हैं। देखिए कैसे इनको हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं अलग अलग भागों में दोस्तों। सबसे पहले कहते हैं कि भैया जो प्लांट फाइबर होता है यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे, तो आप खुद सोचिए ऐसा कौन कौन सा रेशा है जो पौधों से प्राप्त होता है। बिल्कुल अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं दोस्तों। तो पहला क्या होता है? पहला होता है वानस्पतिक रेशा, वानस्पतिक रेशा होता है। अब ये वानस्पतिक रेशा कौन कौन सा है? देखिए बहुत चीजें आप नहीं जानते होंगे लेकिन आप यहां पर दोस्तों सीख जाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे ही आपको पढ़ना होगा क्योंकि क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो प्राकृतिक रेशा ऐसा रेशा होता है दोस्तों, पेड़ पौधों से प्राप्त रेशा, पेड़ पौधों के, पेड़ पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त, पेड़ पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त, भागों से प्राप्त जो रेशे होते हैं उन्हें दोस्तों हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशा कहते हैं दोस्तों। और विशेष कर देखिए इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पेशली दोस्तों सेलुलोज। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट, आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है जो कि पॉलीसेकेराइड है दोस्तों। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं ये निर्मित, यानी जितने भी वनस्पतिक रेशा आपको देखने को मिलेगा सब कैसे बनेगा? सब बनेगा सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट से। और सबसे बड़ी बात, जो इनसे वस्त्र बनेंगे, इनसे बने वस्त्र मुलायम दोस्तों, क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। और क्या होते हैं? आरामदायक होते हैं। आप जरा गौर करिए, जो सूती कपड़ा पहनते ना खादी भंडार वाला, वो कितना मुलायम होता है, कितना आरामदायक होता है। कॉटन, अगर आपके पास शुद्ध कॉटन का कपड़ा है उसको पहनिए, आपको ठंडी में भी आनंद मिलेगा और गर्मी में भी आपको आनंद मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ये होती है कि ये कपड़े शीघ्र सिकुड़ जाते हैं। आप इस पर गौर करेंगे कि जो सूती वाले कपड़े होते हैं, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, ठीक है, जो वनस्पतिक रेशों से बने कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी दोस्तों क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं। थोड़ा उन्हें धुलने में समस्या होती है लेकिन पहनने में बहुत आरामदायक और मुलायम वस्त्र होते हैं। और यहां दोस्तों एग्जाम्पल की बात जरा कर ले हम लोग कि एग्जाम्पल क्या क्या इसका हो सकता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा अपने आसपास, पहला कपास दोस्तों, कपास के बाद सेमल। देखो सेमल से मुलायम कपास होता है,
और दोस्तों लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि सेमल बहुत कम देखने को मिलता है। यह आपको दिखा दे रहा हूं मैं, देखिए ये सेमल है, इसके बड़े बड़े विशाल विशाल वृक्ष होते हैं और वृक्षों के तने पर कांटे पाए जाते हैं। तो सेमल का फूल देखिए यही है और इसी फूल से बाद में क्या बनेगा, रुई बन जाएगी, रेशा बन जाएगा। क्या कमाल का वृक्ष दोस्तों। उसके बाद देखिए ये कपास हमारे महाराष्ट्र में छाया हुआ है। कपास दोस्तों बहुत शानदार सफेद सोना है ये। अगर कपास की बात करी जाए तो कपास से मैक्सिमम कपड़े जो बनते हैं वो कपास से दोस्तों बनते हैं। तो ये कपास देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि आगे क्या क्या होता है तो दोस्तों आगे हम कहेंगे यहां फ्लैक्स। फ्लैक्स आपने नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं लेनिन। दोस्तों लेनिन को फ्लैक्स बोलते हैं या अपनी भाषा में हम क्या बोलते हैं, तीसी कहते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं, तीसी कहते हैं अपनी भाषा में। दोस्तों और क्या होता है, जूट। जूट होता है दोस्तों, जूट के साथ क्या होता है, रेमी होता है। अगर रेमी आप पूछेंगे तो दोस्तों जो रेमी होता है वो कांटेदार पौधा दोस्तों होता है रेमी। और इसके बाद देखिए नारियल। अगर देखेंगे आप तो नारियल का जो रेशा होता है दोस्तों उससे क्या बनती है, उससे रस्सियां बनती हैं। और दोस्तों क्या बनता है, उसी से कारपेट बनता है दोस्तों। या फिर आप देखेंगे गलीचा, गलीचा भी कभी कभी इससे बन जाता है। गलीचा मतलब जो हम दरवाजे के सामने बिछाते हैं चलने के लिए। तो दोस्तों ये सब कैसे बनता है, नारियल के रेशे से बनता है। अब इसको भी दिखा दे आप सभी को भी यहां पर कि कौन कौन होता है। तो दोस्तों यहां देखिए बहुत ध्यान से देखिए, दोस्तों यहां बहुत ध्यान से आप गौर करेंगे तो इसको समझ पाएंगे। यहां जो पहला आप देख पा रहे हो दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे, ये है आपका जूट। पश्चिम बंगाल में बहुत होता है जूट दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं। जूट में रेटिंग होती है, जूट के वृक्ष जो उसका प्लांट इसको काटने के बाद मिट्टी में दोस्तों पानी में डुबो देते हैं, वो सड़ता है, जीवाणु का फर्मेंटेशन होता है, तब जाकर के क्या बनता है, इससे रेशा बनता है दोस्तों। उसके बाद देखिए रेमी है ये दोस्तों, ये रेमी है, कांटेदार पौधा होता है, इससे भी क्या बनता है, रेशा बनता है दोस्तों। इसको हम बोलते हैं फ्लैक्स या इसको हम बोलते हैं तीसी दोस्तों। तीसी यानी फ्लैक्स या इसको कहते हैं लेनिन, इसके द्वारा भी क्या बनता है दोस्तों, रेशा बन जाता है, रेशा प्राप्त होता है। और आप यहां देख पा रहे हो ये नारियल का रेशा है दोस्तों, ये नारियल का रेशा है जिससे हमें क्या मिलता है, जिससे हमें बोटैनिकल फाइबर दोस्तों मिलता है, प्लांट फाइबर मिलता है इस नारियल के द्वारा। तो दोस्तों ये सब अलग अलग प्रकार के रेशे हुए जिनको हम कहते हैं वनस्पतिक रेशे। तो दोस्तों इसको आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे आगे चल करके आप सभी से कि कौन कौन से ऐसे रेशे हैं जिनको हम जंतु रेशा कहते हैं या प्राणिज रेशा कहते हैं। तो यहां देखेंगे हम लोग नंबर सेकेंड पर क्या है, नंबर सेकेंड पर है प्राणिज रेशे, सेकेंड प्राणिज रेशा। अब ये दोस्तों प्राणिज रेशा क्या होता है, प्राणिज रेशा क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो हम कहेंगे ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ऐसे रेशे जो जंतुओं के बाल से प्राप्त होते हैं या उनसे स्रावित पदार्थ से प्राप्त होते हैं, ऐसे रेशे जो जंतुओं के बाल, कैसे, जंतुओं के बाल तथा उनसे उत्पादित या उनसे स्रावित पदार्थों से मिलते हैं, स्रावित पदार्थों से प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें हम कि ऐसे कौन कौन से रेशे हो सकते हैं जो जिनका सोर्स एनिमल होते हैं, तो देखिए पहली बात आपका जो दिमाग सबसे पहले जाएगा मालबेरी के प्लांट पर होने वाले बॉम्बिक्स मोराई पर, जिसको आप बोलते हो रेशम का कीट। रेशम का कीट दोस्तों अपने जीवन की किसी किसी अवस्था में तो जब पहले दोस्तों क्या होता है, पहले ये होता है प्यूपा दोस्तों, पहले होता है लार्वा और दोस्तों फिर क्या बनता है, प्यूपा बनता है। उसी प्यूपा की अवस्था में इसकी सलाइवरी ग्लैंड से कुछ लिक्विड निकलता है दोस्तों, और जो लिक्विड होता है या उस वह पत्ती पर दोस्तों पत्तियों पर या तने पर लपेट करके कोकून का निर्माण करता है, फिर उसी कोकून से हम क्या मिलता है, हमें रेशा प्राप्त होता है दोस्तों, रेशम मिलता है। यहां देखिए अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से दोस्तों हो सकते हैं, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल दोस्तों है वो क्या है, ऊन है। अब ये ऊन किससे मिलता है, तो यहां देखिए पहली बात तो भेड़ से मिलता है,
और इसके बाद हम देखेंगे भेड़ के अतिरिक्त दोस्तों, तो हम कहेंगे लामा, लामा को आप जानते होंगे, लामा से, और लामा के अतिरिक्त खरगोश से, खरगोश दोस्तों, खरगोश के अतिरिक्त देखिए आप लोग यहां पर तो पश्मीना बकरी से, पश्मीना बकरी, पश्मीना बकरी से भी हमें दोस्तों क्या मिलता है, ऊन प्राप्त होता है। और यहां पर चीरू दोस्तों, चीरू भी एक समझिए हिरण की प्रजाति है, चीरू से मिलता है। अब जरा देखिए भेड़ को, लामा को, चीरू को, पश्मीना बकरी को, अगर इसको आप दोस्तों देखेंगे तो देखिए बहुत शानदार चित्रण इसका है। यहां पर देखिए दोस्तों ये रहा, इसको देखिए आप सबसे पहले यहां देखेंगे दोस्तों, ये सिल्क वर्म है, बॉम्बेक्स मोराई है दोस्तों, ये क्या है, प्यूपा की अवस्था है। इसको आप देखिए ये भेड़ है दोस्तों, ये क्या है, ये भेड़ है। इस भेड़ से क्या मिलता है, ऊन मिलता है। उसके बाद देखेंगे आप दोस्तों यहां पर देखिए लामा, ये भेड़ और ऊंट के बीच का है, तो लामा से दोस्तों क्या मिलता है, ऊन मिलता है। यहां देखेंगे चीरू है, तो चीरू के बाल से दोस्तों क्या मिलता है, हमें ऊन प्राप्त होता है। देखिए रैबिट यानी खरगोश, इसके बाल से भी हमें क्या मिलता है, ऊन प्राप्त होता है दोस्तों। और ये देखिए पश्मीना बकरी, सबसे उत्तम प्रकृति का जो ऊन बनता है वो पश्मीना बकरी से ही प्राप्त होता है, सबसे उत्तम प्रकृति का जो ऊन बनता है वो पश्मीना बकरी से प्राप्त होता है। संज्ञान में रखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सभी से हमें ऊन प्राप्त होता है, ये बातें अपने संज्ञान में रखिएगा। अब दोस्तों यहां पर बात करेंगे हम लोग कि ऊन के साथ साथ और क्या मिलता है, तो दोस्तों और मिलता है रेशम। अब रेशम का जो इतिहास दोस्तों ये बड़ा ही खतरनाक है। सबसे पहले 2640 के आसपास चाइना में रेशम की खोज हुई थी, और रेशम ने इस बहुमूल्य रेशम को सदियों तक अन्य देशों से दूर रखा, यानी किसी देश को कानों कान खबर नहीं थी कि चाइना में रेशम जो बनता है वो कैसे बनता है। चाइना अकेले रेशम का उत्पादन करके, लोगों को बेच करके, उसका निर्यात करके अच्छा खासा दोस्तों अपना इनकम सेट कर रहा था, लेकिन ये बात धीरे धीरे खुल चुकी थी, बाद में मालूम पड़ गया था कि रेशम कैसे बनता है। तो दोस्तों हर देश ने रेशम बनाना शुरू कर दिया। बता दें आप सभी को रेशम कैसे बनता है, दोस्तों रेशम बनता है रेशम कीट से, रेशम कीट से, इसको हम बोलते हैं बॉम्बेक्स मोराई। क्या बोलते हैं इसको, बॉम्बेक्स मोराई दोस्तों कहते हैं। और ये कहां पर रहता है दोस्तों, ये रहता है मालबेरी, मालबेरी के पेड़ पर, मतलब जिसको हम कहते हैं सहतूत दोस्तों, सहतूत के पेड़ पर ये रहता है सिल्क वर्म। और दोस्तों यहां पर देखिए इसकी किस अवस्था से, प्यूपा अवस्था से दोस्तों क्या बनता है, कोकून बनता है। क्या बनता है, कोकून बनता है दोस्तों। और इसी कोकून से क्या मिलता है, इसी कोकून से बाद में रेशम प्राप्त होता है। और वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो चाइना में सबसे अधिक रेशम होता है दोस्तों, और अपने इंडिया में असम, असम के बाद झारखंड दोस्तों, झारखंड के बाद देखिए वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, पहले पे कौन है, असम है सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करने वाला दोस्तों, फिर क्या है झारखंड है, और इसके बाद वेस्ट यानी पश्चिम बंगाल है, और इसके बाद दोस्तों तमिलनाडु है। ये चारों राज्य रेशम का बहुतायत उत्पादन करते हैं अपने भारत देश में, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया जंतु रेशा यानी एनिमल दोस्तों, प्राणिज रेशा हो गया जिसमें रेशम और ऊन है, इसको आपने समझ लिया। अब दोस्तों यहां पर एक रेशा और बच रहा, थर्ड वाला जो तीसरा प्राकृतिक रेशा है, जिसको हम कहते हैं खनिज रेशा। दोस्तों खनिज रेशा कैसे बनता है, खनिज रेशा मिनरल फाइबर, अगर मिनरल फाइबर की बात यहां करी जाए तो हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, कि विभिन्न प्रकार के खनिजों से बना हुआ रेशा, विभिन्न प्रकार के खनिजों से प्राप्त दोस्तों, कैसे, धातु से प्राप्त पतले तंतु, तो धातु से प्राप्त पतले तंतु को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं खनिज रेशा। आप देखेंगे यहां सोना दोस्तों, सोना अगर 1 ग्राम है तो 200 मीटर का तार बन सकता है सोने से दोस्तों। और क्या है, चांदी, अगर चांदी की बात करी जाए तो दोस्तों चांदी अगर 1 ग्राम का चांदी है तो 1 ग्राम चांदी से लगभग 100 मीटर का तार बन सकता है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे आप यहां पर एजबेस्टस है दोस्तों, एजबेस्टस एक ऐसा, यह एक ऐसा धातु रेशा है, खनिज रेशा है, जो विद्युत का बिल्कुल
विरोध करता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं विद्युत रोध शक्ति, इसमें सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। और एक होता है सिरेमिक रेशा, ये ऐसा रेशा दोस्तों होता है जो तापरोधी होता है, सिरेमिक। तो दोस्तों ये तापरोधी है दोस्तों, ये क्या होता है विद्युत रोधी होता है, तो दोनों अलग अलग प्रकार के रेशे होते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसको भी आप जान लीजिए, ठीक है ना। इससे कुछ कपड़े बनते हैं, कुछ कपड़े बनते हैं, साड़ियों में सब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जो सूट बनता है, सब जो पैराग्लाइडिंग करते हैं उनका सूट बनता है, जो ऊपर से दोस्तों फ्लाइंग करते हैं उनका सूट बनता है, तो सब इन सबका बना होता है। चलिए तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यहां पर, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने अभी तक पढ़ लिया यहां पर प्राकृतिक रेशा। और प्राकृतिक रेशा आपने देखा कि तीन प्रकार का होता है, जिसमें पहले आपने देखा दोस्तों वनस्पतिक रेशा, और इस रेशा को पढ़ने के बाद आपने यहां पर देखा हमने पढ़ा प्राणिज रेशा, और दोस्तों हमने फिर क्या पढ़ा, हमने पढ़ा खनिज रेशा। और दोस्तों आगे हम दोस्तों यार शुरुआत करेंगे अब कुछ ऐसे रेशों की जो सबसे कठिन माने जाते हैं, जिनको हम कहते हैं संश्लेषित रेशे। ये टॉपिक वैसे तो बहुत टफ है, लेकिन दोस्तों इसको आसानी से पढ़िए, बड़ी मजा आएगी पढ़ने में, और यहां से क्वेश्चन भी बन जाता है, और आपको सभी टॉपिक ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखिए समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, और आपको उलझाने वाले बहुत मिलेंगे, आपके पड़ोसी दोस्त यार मित्र, लेकिन आपको कहीं उलझना नहीं है दोस्तों। अगर आपका सपना है कि हमें आरओ एआरओ में सिलेक्शन लेना है, किसी भी आधार पर समीक्षा अधिकारी बन करके समाज में अपना अस्त्र ऊंचा उठाना है, मां बाप का नाम कब करना है, तो आप तैयारी में लग जाइए अभी से, आज से, तुरंत से। क्योंकि दोस्तों कल परसों करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, जो कहता है कल उसका दिन जाता है निकल, जो कहता है परसों उसके बीत जाते हैं वर्षों, और जो कहता है आज वही करता है राज। ये ऐसी परीक्षा है, इसकी तैयारी करने के लिए आपको मेहनत से, ईमानदारी से, निष्ठा से लगना पड़ेगा। जब आप अपना 100% देंगे तो सिलेक्शन 100% आपका हो जाएगा दोस्तों। और इसमें थोड़ा सा योगदान हम भी चाहते हैं कि हमारा भी रहे, इसीलिए आप निश्चित तौर पर इस बैच से जुड़ करके अपने सिलेक्शन के भरोसे को 100% पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम बात करेंगे अब यहां पर सिंथेटिक फाइबर की, जिसको हम कहते हैं संश्लेषित रेशा, संश्लेषित रेशा, संश्लेषित रेशा। अगर इस रेशे की बात हम यहां पर करें तो देखिए सबसे पहले हम इस रेशे के बारे में दोस्तों क्या बोल सकते हैं। पहला दोस्तों पॉइंट तो यही बनेगा कि मानव द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित है। क्या बोलेंगे हम, पहला पॉइंट इसके विषय में यही बोलते हैं कि मानव के द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित है, मानव द्वारा प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में, शाला में बनाया जाता है। तो कैसे बनता है, ये प्रयोगशाला में दोस्तों बनता है, हमारे माध्यम से बनता है। और देखिए सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि इस रेशे में कुछ विशेषता तो है, इसका कुछ गुण तो होता है, जिसके कारण यह बहुत ही लोकप्रिय हो चुका है। क्योंकि वर्तमान समय में हमारे जीवन में कपड़े से लेकर के हर एक सामग्री, कपड़े हैं, पर्दे हैं, चादर है, बेडशीट है, गद्दे, रजाइयां, कंबल, सब दोस्तों कैसे बनता है, लगभग सिंथेटिक फाइबर से बनता है। क्योंकि हम कहते हैं कि भैया जो कॉटन होता है बड़ा महंगा होता है, तो कॉटन को हम अफोर्ड कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों इसको प्रयोग में लाते हैं। तो ये क्या होता है, ये मजबूत होता है, मजबूत व टिकाऊ, मजबूत व टिकाऊ होता है। तो भाई जाहिर सी बात है मजबूत और टिकाऊ, टिकाऊ सबसे बेहतर है दोस्तों। और क्या देखिए बोलेंगे इसके बारे में, हम कहेंगे जल्दी सूख जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। अगर मान लीजिए हमने इसको धुल दिया, सूख जाते हैं, और कहेंगे धुलने में आसान। ये क्या होते हैं, धुलने में आसान भी होते हैं, भाई कौन इतना साबुन लगाएगा, तो दोस्तों धुलने में आसान होते हैं। और देखिए क्या होते हैं, ये हल्के होते हैं, यानी प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा दोस्तों ये क्या होते हैं, ये हल्के होते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें कीड़े नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते, यानी आपके कपड़े कोई कीड़े नहीं काट सकते। तो इससे अच्छा क्या है, इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। और हम कहेंगे दोस्तों ये रखने में भी क्या है, सहायक है। जब हल्के होंगे तो हम इसको कहीं भी
रख सकते हैं, तो रखने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यानी सिंथेटिक फाइबर के देखिए इतने गुण है, अगर इतने गुण है तो भाई हम क्यों ना इस्तेमाल करें। ये सारे जो गुण आप देख रहे हैं सब सिंथेटिक फाइबर के हैं, मजबूत व टिकाऊ, जल्दी सूख जाते हैं, धुलने में आसान, हल्के होते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं और रखने में भी सहायक होते हैं। तो इतनी सारी विशेषताएं दोस्तों होती है, इनमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, रेयान होता है दोस्तों। क्या होता है, रेयान होता है। रेयान के बाद देखिए नायलॉन होता है, नायलॉन होता है दोस्तों। फिर देखिए क्या होता है इसके बाद, पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर होता है। क्या होता है, पॉलिस्टर होता है। और दोस्तों पॉलिस्टर के बाद देखिए हम कहेंगे यहां पर एक्रिलीन होता है, एक्रिलीन होता है। तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये सभी क्या है, सिंथेटिक फाइबर हैं, जिनके बारे में आगे हमें अब पढ़ना है ना। इन्हीं के विषय में हम पढ़ने चल रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में मैक्सिमम यहां से बन जाते हैं। जो अब तक हमने पढ़ा क्वेश्चन वहां से भी तो बनते हैं, बट यहां से क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा बनते हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहां पर दोस्तों किसकी, रेयान की। अगर दोस्तों हम रेयान की शुरुआत करें तो देखिए रेयान को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अर्ध प्राकृतिक बहुलक, अर्ध प्राकृतिक बहुलक दोस्तों। यानी कि बहुलक है ये किसका, अर्ध प्राकृतिक, आधा प्राकृतिक। क्यों, क्योंकि यह सेलुलोज से निर्मित होता है, यानी सेलुलोज से बनाया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों रेयान। तो रेयान को हम पूर्ण रूप से कृत्रिम नहीं बोलते हैं, यह अर्ध प्राकृतिक बहुलक है। और बहुलक क्या होता है जरा ये बताइए दोस्तों। बहुलक का मतलब होता है कि जब छोटे छोटे अणु मिलकर के उच्च अणुभार का एक बड़ा अणु निर्मित करते हैं, उस बहुत बड़े बने अणु को बहुलक, और इस पूरी प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और नए बने उच्च अणुभार के नए अणु को हम पॉलीमर कहते हैं, बहुलक कहते हैं दोस्तों। मोनोमर का मतलब एकलक होता है, एक मतलब एकलक मतलब इकाई, एक इकाई क्या है, एकलक है, मोनोमर है दोस्तों। बहुलक यानी बहु का मतलब बहुत, अनेक, लक मतलब इकाई, पॉली मतलब अनेक, मर मतलब यूनिट, यानी बहुत सारी यूनिट क्या है, बहुलक कहलाती है, मोनोमर कहलाती है दोस्तों, सॉरी पॉलीमर कहलाती है दोस्तों। यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले अब रेयान के बारे में, जो रेयान है वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट दोस्तों, कैसे कैसे यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए रेयान अगर बात करी जाए, अगर हम आप सभी से रेयान की बात करें तो दोस्तों रेयान से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आइए सब बात करेंगे इस पर। देखिए सबसे पहले ये बनता कैसे है, तो दोस्तों सेलुलोज आप जानते हैं ये प्राकृतिक बहुलक है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड, इसे बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जिसको आप बोलते हो गंधक का अम्ल, इसकी सहायता से दोस्तों, इसकी सहायता से हम इसको बनाते हैं H2SO4। ठीक है, अब कैसे आखिर बनता है इसकी सहायता से, देखिए दोस्तों एक्चुअली क्या है, यह लकड़ी जो सेलुलोज होती है हमें कैसे मिलती है, लकड़ी से मिलती है दोस्तों। जब लकड़ी को हम क्या करते हैं, लुगदी बनाते हैं, लुगदी मतलब समझिए कागज बनाते हैं दोस्तों। जब कागज को बना लेते हैं तो कागज को बनाने के बाद उस कागज को सोडियम हाइड्रोक्साइड में भिगो देते हैं, और भिगोने के बाद साफ करते हैं, और जब साफ कर लेते हैं तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, बहुत ध्यान सुनिए हम फिर लिखवाएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड को मिला करके पतले पतले छिद्रों से गुजारते हैं। जब ये पतले पतले छिद्रों से गुजरता है तब इसको हम सल्फर, इसमें दोस्तों तब इसमें तो क्या कर सल्फ्यूरिक अम्ल में, तब इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबो करके रेशा प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए बहुत शानदार दोस्तों इसका प्रोसेस है। तो ये कास्ट लुगदी कहते हैं इसको, कि यह कास्ट लुगदी, कास्ट लुगदी यानी कि सेलुलोज से निर्मित होता है या बनता है, से बनता है दोस्तों। क्या करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, जो कागज मिलता है कास्ट लुगदी से, इससे प्राप्त होने वाले कागज को
सोडियम हाइड्रोक्साइड में भिगो कर साफ कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, भिगो करके दोस्तों क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। और साफ कर लेने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, तत्पश्चात क्या करेंगे इसमें हम कार्बन डाई सल्फाइड मिलाकर पतले छिद्र से गुजारते हैं, पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे आप, गुजारते हैं। और इतना करने के बाद प्राप्त पदार्थ को H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबोकर रेशा प्राप्त कर लेते हैं। तो आपने देखा कितने सारे प्रोसेस करने के बाद रेशा मिला हमें, इतना सारा कार्य करने के बाद दोस्तों क्या मिला हमें, रेशा प्राप्त हुआ। ठीक है, इतना सारा कार्य करने के बाद दोस्तों क्या मिला हमको, रेशा प्राप्त हुआ। और इस रेशे को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इस रेशे को हम बोल सकते हैं कि अर्ध प्राकृतिक बहुलक है। ये क्या है, इसके विषय में आप बोल सकते हो कि ये होता है अर्ध प्राकृतिक बहुलक। ये क्या होता है, अर्ध प्राकृतिक बहुलक है ये, ना तो पूरा कृत्रिम है ना पूरा प्राकृतिक है, तो अर्ध प्राकृतिक बहुलक ये कहलाता है। और दोस्तों कह सकते हैं कि इसे पुनः निर्मित सेलुलोज, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे पुनः निर्मित सेलुलोज कहते हैं। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये बन जाए कि पुनः निर्मित सेलुलोज कौन है, तो आप क्या बताएंगे, रेशा। दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, पुनः निर्मित सेलुलोज कह देते हैं। और इससे क्या बनता है, अब ये हम बात करेंगे कि इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। तो आप दोस्तों इसको भूलिएगा मत, इससे क्या क्या बन सकता है हम इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इससे जिसका उपयोग होता है, इसके उपयोग में दोस्तों हम चादर, तो सबसे पहले क्या बनेगा, इससे चादर बनेगी दोस्तों। चादर के साथ साथ देखिए, इससे बिस्तर बनते हैं, इससे धागे बनते हैं, क्या बनते हैं, चादर बनती है दोस्तों, और क्या बनते हैं, इससे बिस्तर बनता है, और इससे क्या बनते हैं, धागे बनते हैं। फिर धागों के माध्यम से हम इसको अलग से उपयोग करते हैं। देखिए, अगर रेयान, क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर रेयान में हम मिला दें कॉटन, रेयान आपके पास है और इसमें आप मिक्स कर दीजिए कॉटन, तो इससे क्या बन जाएगा, चादर बन जाएगी दोस्तों। और अगर मान लीजिए रेयान आपके पास है और इस रेयान में आपको क्या मिलाना है दोस्तों, अगर इसमें मिला दिया आपने ऊन, तो दोस्तों क्या बन जाएगा, इसमें ऊन मिला देना दोस्तों क्या बन जाएगा, तो इससे बन जाता है ये कालीन दोस्तों, क्या बन जाता है, कालीन या फिर गलीचा। देखिए, कालीन या फिर गलीचा बन जाता है, ये इसका उपयोग हो गया। तो इसका देखिए आपने यूज पढ़ लिया, इसका यूज हम लोग कहां कर सकते हैं, रेयान किस लिए हमारे लिए उपयोगी है, ये सारे पॉइंट आपने डिस्कस कर लिया दोस्तों। कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाए कि रेयान कैसे बनता है, तो आप वहां पर आंसर जरूर दीजिएगा कि इस पूरे प्रोसेस से रेयान बनता है, और रेयान से क्या बनती, चादर बनती है, कालीन बनता है, गलीचा बनता है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट फाइबर पर, देखते हैं कि अगला फाइबर दोस्तों हमें कौन सा पढ़ना है। तो आगे शुरू करने वाले हम लोग नायलॉन के बारे में, नायलॉन बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, अगर बात करें नायलॉन के बारे में, तो यहां आप नायलॉन का जब विच्छेद करेंगे ना, संधि विच्छेद जिसको आप बोलते हैं, तो यहां देखिए दो वर्ड आपको देखेंगे, NY और LON दोस्तों, दो वर्ड। देखो, NY का मतलब होता है न्यूयॉर्क,
न्यूयॉर्क, और दोस्तों एल ओ एन का मतलब क्या होता है, लंदन, लंदन। दोस्तों सबसे पहले इसको न्यूयॉर्क और लंदन में बनाया गया था, और कई बार दोस्तों पूछता है खोज किसने की इसकी, तो कैरोथर्स ने इसकी खोज की है, यानी बनाया किसने, निर्माण किसने किया दोस्तों, तो निर्माण किसने किया इसका, आविष्कार किसने किया, तो सबसे पहले कैरोथर्स, कैरोथर्स महोदय ने क्या किया, इसका निर्माण किया दोस्तों 1935 में। 1935 में आप जानते हैं ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो आपकी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, तो इतिहास वाले सर के माध्यम से पढ़ेंगे आप दोस्तों कि 1935 में क्या घटनाएं हुई थी, या 1935 में भारत शासन अधिनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, तो यहां आपने देख लिया कि ये न्यूयॉर्क और लंदन में बनाया गया सबसे पहला, और इसके बारे में जो विशेषता है वो हम ये कहते हैं कि यानी पहला कृत्रिम रेशा दोस्तों कौन सा, ये यही है। तो प्रथम कृत्रिम रेशा अगर क्वेश्चन बने कि पहला सिंथेटिक फाइबर कौन है, तो प्रथम कृत्रिम रेशा दोस्तों कौन है, यही है, नायलॉन को हम बोल सकते हैं। और दोस्तों पूर्ण रूप से कृत्रिम है ये, क्या है, क्योंकि पूर्ण रूप से कृत्रिम है, पूर्ण रूप से क्या है ये, पूर्ण रूप से कृत्रिम रेशा कहलाता है। इसके बारे में यह भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। और दोस्तों हम कह सकते हैं कि पॉलीएमाइड ये कैसा बनता है, तो पॉलीएमाइड से बनता, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कई बार पूछा गया है, पॉलीएमाइड का बहुलक दोस्तों, पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण, पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण, रेशे का उदाहरण है ये, पॉलीएमाइड रेशे का दोस्तों क्या है, उदाहरण है, पॉलीएमाइड रेशे का दोस्तों क्या है ये, एग्जाम्पल है। और कैसे बनेगा दोस्तों, ये पूछा गया कई बार, तो हम जानते हैं कि जब एडविक अम्ल को हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन के साथ मिलाते हैं तो दोस्तों एक रेशा बनता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन 6-6 बोलते हैं। आइए हम इसके बारे में बात करें, तो इतने पॉइंट आपने समझ लिया, बस इतना दोस्तों पॉइंट और बताएंगे आप सभी को कि ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का संघनित बहुलक है दोस्तों, का क्या है, संघनित बहुलक है, किसका बहुलक है, संघनित बहुलक है किसका, तो हम कहेंगे एडिपिक अम्ल और हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन का संघनित बहुलक है, अर्थात इनके संघनन के बाद आप जानते हैं संघनन क्या होता है, द्रव से गैस से द्रव में बदलना, यह संघनन दोस्तों कहलाता है। तो जब इनसे द्रव बन जाता है, बाहर द्रव बाहर निकल जाता है संघनन के बाद, तब जाकर दोस्तों क्या बनता है, नायलॉन बनता है। और सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, नायलॉन 6-6 दोस्तों पढ़ने चल रहे हैं यहां पर, तो सबसे पहले हम लोग क्या दोस्तों पढ़ेंगे, नायलॉन 6-6 आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, ये उसका फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं नायलॉन 6-6, नायलॉन 6-6 बहुत ही इंपॉर्टेंट नायलॉन दोस्तों, नायलॉन 6-6 यही है। अब देखिए कैसे ये बनता है, तो यहां आप बहुत ही गौर से देखिए, तो ये लिखा गया है COOHCOHOC+CH2 दोस्तों, ये क्या है, यही होता है एडिपिक अम्ल दोस्तों, ये क्या है, यही है एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल दोस्तों यही है, क्लियर दोस्तों। ये देखिए CH2 CH2 6 NH दोस्तों, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन दोस्तों, ये क्या है, हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन दोस्तों। अभी मैंने आपसे कहा था कि कैसे बनता है हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन का संघनित बहुलक दोस्तों, अब देखिए क्या होता है, तो संघनन के बाद क्या होगा, जब संघनन की क्रिया होती है, तो जब संघनन की क्रिया होती है तो संघनन के बाद क्या होता है, यह हमें प्रोसेस समझना है। तो जब संघनन की क्रिया होती, संघनन के बाद हम देखते हैं कि जो H2O होता है दोस्तों,
H2O जो यहां पर H2O होता है वो बाहर निकल जाता है, और जैसे ही H2O बाहर निकलता है तो H2O के बाहर निकलने से क्या प्रोसेस यहां पर होगा, तो आप दोस्तों देखिए यहां पर केवल क्या बचेगा, यहां देखिए आप यहां से एक H निकल जाएगा, क्लियर दोस्तों, उसके बाद ये वैसे ही रहेगा। और दोस्तों अभी देखते हैं यहां पर, यहां से एक जो है H और O निकलता, दोस्तों यहां से HO निकलेगा और यहां से HO निकलेगा, दोस्तों यहां क्या बचेगा CO, दोस्तों यहां क्या बचेगा CO, और फिर यहां देखते हैं दोस्तों यहां से क्या निकलता है, देखिए यहां से यहां दोस्तों CH2 है, तो यहां से दोस्तों क्या हुआ, एक H2 निकल गया बाहर, क्या निकल गया एक H2 बाहर निकल गया, बाकी दोस्तों ये सेम रहता है। तो यहां बहुत ध्यान से आप देखिए, यहां पर इसको हम बोलते हैं नायलॉन 6-6 दोस्तों, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह एडिपिक अम्ल के 6 कार्बन 6 और हेक्सामेथिलीन के कार्बन 6 से बना होता है दोस्तों, 6 अणु इसमें भी कार्बन के और 6 अणु इसमें भी कार्बन के, जरा आप काउंट करिए, 1 कार्बन 4 कार्बन दोस्तों और 6 तो 4 एक 5 और एक 6 दोस्तों, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल दोस्तों कहां पर हैं, एडिपिक एसिड से मिले हैं, और यहां देखिए कार्बन 6 दोस्तों, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल कहां से मिले हुए हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिले हुए हैं। तो दोस्तों इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नायलॉन 6-6 बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। अब देखिए इसकी कुछ विशेषता है, इसकी कुछ विशेषता है, और वो क्या है, नायलॉन 6-6 दोस्तों क्या है, इसके कुछ गुण होते हैं, और इन गुणों को हम पढ़ेंगे तभी तो हम समझेंगे इसको दोस्तों, इसके कुछ गुण होते हैं, और वो गुण क्या क्या हैं, जरा आप समझ लीजिए इसको, देखिए तो दोस्तों हम कहते हैं इसके बारे में कि प्रबल प्रत्यास्थ है, ये क्या है, ये प्रबल प्रत्यास्थ है। प्रबल प्रत्यास्थ का मतलब यह है कि अगर इसको हम तान के लंबा कर दें तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो प्रबल का मतलब ज्यादा ही, प्रबल प्रत्यास्थ ये होता है, तनकर इसको बहुत लंबा हम कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों हम और क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि दोस्तों इसमें क्या होता है, इसका जो तार होता है, इसका तार जो होता है, तार इस्पात से मजबूत, इस्पात से भी मजबूत, सोचिए आप इस्पात से भी मजबूत, इतना मजबूत तार भाई होता है कि जो इस्पात मतलब स्टील से दोस्तों मजबूत होता है, ये कैसा होता है, हल्का होता है, हल्का भी होगा और क्या होगा, ये हल्का के साथ साथ मुलायम भी दोस्तों होता है, और धुलने में क्या होता है, धुलने में बहुत आसान होता है, हल्का है मुलायम है, धुलने में दोस्तों क्या होता है, आसान होता है। सबसे बड़ी बात, इसको हम मनचाहा रंग, चाहे जिस रंग में इसको रंग सकते हैं, मनचाहा रंग इसको दे सकते हैं, मनचाहा रंग दे सकते हैं। आप देखिए नायलॉन के जो कपड़े बनते हैं रंग बिरंगे होते हैं, जाल बनते रंग बिरंगे होते हैं, मच्छरदानी बस दोस्तों बनती है रंग बिरंगी होती है, तो कोई रंग इसको हम दे सकते हैं। और ये क्या होता है बंधु, ये चमकीला भी होता है दोस्तों, क्या होता है ये चमकीला भी होता है। और रही बात अब प्रश्न बनने की, इससे क्या क्या हम बना सकते हैं दोस्तों, अगर बात करें इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, इसका उपयोग कहां कहां हम कर सकते हैं, तो बताइए आप इसका उपयोग कहां होता है। जो टायर देखेंगे ना, जो टायरों के धागे होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, इसी के बनते हैं, तो हम कहते हैं यहां पर टायरों के धागे और रस्सी, दोस्तों रस्सी कौन सी, रस्सी तो यहां बनती ही बनती है, आप देखेंगे जो आर्मी वाले आर्मी मैन होते हैं उनके पास रस्सियां होती हैं, और देखिए आर्मी मैन के अतिरिक्त जो लोग पहाड़ों पर रस्सी बांध करके चलते हैं, ग्लाइडिंग करते हैं, है ना, उसकी जो रस्सी होती भाई इसी की दोस्तों बनती है, तो रस्सा बनता है इससे, पैरासूट बनता है, पैरासूट आप जानते होंगे, पैरासूट जो लोग उड़ते हैं आसमान में, पैरासूट दोस्तों, और क्या होता है इससे, मच्छरदानी बनती है, मच्छरदानी, और क्या बनता है, मछली का जाल दोस्तों कैसे बनता है, इसी का बनता है, तो मच्छरदानी बनती है, मछली का दोस्तों जाल बनता है। और देखिए सॉक्स बनते हैं, मोजे जिसको हम बोलते हैं मोजा, सॉक्स दोस्तों इसी का बनता है, और ब्रश बनता है, टूथब्रश बनता है, और देखिए गाड़ियों में सीट बेल्ट आप देखेंगे ना, तो सीट बेल्ट बड़ी मजबूत होती है दोस्तों, तो सीट बेल्ट इसी की बनी होती है दोस्तों, क्या बनता है, पर्दा इसी से बनता है, कभी कभी पर्दा बनता है, और कपड़े बनते हैं, देखिए आप ये सब इनसे बन सकता है, इसका यूज हम लोग यहां यहां कर सकते हैं,
ठीक है ना, उपयोग टायरों के धागों में, रस्सी में, मोजा में, ब्रश में, पैरासूट में, सीट बेल्ट, मच्छरदानी, पर्दा, मछली का जाल, कपड़े, ये सब दोस्तों नायलॉन 6 इन सब के उपयोग में आ सकता है। और देखिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नायलॉन के विषय में दोस्तों, जो नायलॉन होता है जिसको हम बोलते हैं पेरनोल एल, दोस्तों पेरनोल एल बोलते हैं, नायलॉन 6 भी कहते हैं। अब दोस्तों यहां पर बात करेंगे हम लोग नायलॉन 6 के बारे में जिसको हम बोलते हैं पेरनोल। देखिए तो दोस्तों ये क्या होता है इसके विषय में बातचीत करेंगे। यहां आप देख सकते हैं नायलॉन 6, इसको हम बोलते हैं नायलॉन 6 केवल दोस्तों। अब नायलॉन 6 की क्या विशेषता है, इसको हम क्या बोलेंगे, नायलॉन 6 बोलेंगे, नायलॉन 6। और दोस्तों इसी का नाम एक और है पेरनोल एल, इसी दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं पेरनोल एल बोलते हैं, पेरनोल एल इसी को हम कह सकते हैं, पेरनोल एल दोस्तों इसको हम बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कैसे बनता है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम का बहुलक है ये, यानी कैप्रोलैक्टम का बहुलक दोस्तों है ये, यानी कैप्रोलैक्टम के बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के नायलॉन 6 का निर्माण दोस्तों कर देते हैं। और इसमें हम जानते हैं कैप्रोलैक्टम के कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल दोस्तों पाए जाते हैं, तभी इसको हम बोलते। देखिए अब यहां पर आप बहुत आराम समझिए दोस्तों, ये देखिए आप, ये क्या है, यही है कैप्रोलैक्टम दोस्तों, ये क्या है, ये कैप्रोलैक्टम है, कैप्रोलैक्टम है ये, ठीक है दोस्तों। जब कैप्रोलैक्टम को हम गर्म करते हैं, देखिए जब इसमें जल मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, और जब पानी मिलाकर गर्म करते हैं दोस्तों, अब ये ध्यान देना इसका संघनित बहुलक है, संघनित बहुलक है, संघनित बहुलक है। देखो जब हम लोग इस कैप्रोलैक्टम में पानी मिलाते हैं और पानी मिलाकर दोस्तों गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं, उसमें ऊष्मा देते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, इसमें ऊष्मा देने के बाद दोस्तों क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है। जब पानी बाहर निकल रहा दोस्तों, इसमें फिर क्या होगा दोस्तों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए H2N बनेगा, CH2 बनेगा, COOH बनेगा दोस्तों। इसको हम क्या कहते हैं, एमिनो कैप्रोइक अम्ल बोलते हैं, एमिनो कैप्रोइक अम्ल बोलते हैं, एमिनो कैप्रोइक अम्ल बोलते हैं, कैप्रोइक अम्ल कहते हैं। दोस्तों पहले क्या हुआ, पहले हमने इसमें जल को ऐड किया, जब जल को ऐड किया तो इसकी जल को ऐड करने के बाद ये क्या बन गया दोस्तों, ये देखिए बन गया यहां पर H2N CH2 5 COOH बन गया। और ये बनने के बाद, यानी एमिनो कैप्रोइक अम्ल बनने के बाद, फिर से हमने क्या किया, इसको गर्म किया, किस तापमान पर, 270 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया, और गर्म करने पर क्या हुआ, इसका पॉलीमराइजेशन हुआ, यानी बहुलकीकरण हुआ, और बहुलकीकरण से क्या बन गया यहां पर, यहां दोस्तों उसके बाद बन गया, यानी कि यहां बन गया NS, यानी पानी बाहर निकल गया ना, जब ये गर्म हुआ तो क्या हुआ, संघनन की क्रिया हुई दोस्तों, पानी बाहर निकल गया, तो क्या बच गया, NH बच गया, CH2 5 बच गया दोस्तों, और क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O बच गया, यानी यहां पर कार्बन का केवल एक मॉलिक्यूल प्राप्त, केवल 6 मॉलिक्यूल दोस्तों मिलेगा, यहां देखिए 5 और 1 6, तो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, यानी इसको क्या बोला गया, नायलॉन 6 बोला गया। और इससे क्या बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग सामग्री इससे हम बनाते हैं, और दोस्तों उस सामग्री को हम क्या कहते हैं जो इससे बनता है, आप देखिए वायलिन, वायलिन आप बजाते होंगे, वायलिन, सितार, सितार, गिटार, गिटार, इनके जो तार होते हैं ना, जो इनके तार होते हैं वो कैसे बनते हैं दोस्तों, वो बनते हैं किससे, नायलॉन 6 के द्वारा बनते हैं। सितार, गिटार, वायलिन के तार, ये कैसे बनते हैं, नायलॉन 6 से बनते हैं। और दोस्तों इसी से क्या बनती है, रस्सियां बन जाती हैं, रस्सियां इसी से बन जाती हैं, क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और हम कहें कपड़ा बनता है, और एक बात और, वाहनों का गियर, ये इंपॉर्टेंट है, वाहनों का गियर अगर क्वेश्चन बन जाए कि कैसे बनता है, तो आपका आंसर दोस्तों क्या आएगा कि नायलॉन 6 से बनता है वाहनों का गियर, यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम बात करते हैं पॉलिस्टर के बारे में, और देखते हैं पॉलिस्टर किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बात करेंगे हम लोग पॉलिस्टर के बारे में दोस्तों, महत्वपूर्ण और प्रचलित बहुलक है यह पॉलिस्टर,
बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि सबसे फेमस है ये, महत्वपूर्ण और प्रचलित, क्योंकि बहुत सस्ता और हमारे तक पहुंच इसकी है। तो महत्वपूर्ण व प्रचलित रेशा किसे दोस्तों कहते हैं? तो हम कहते हैं पॉलिस्टर को। और सबसे पहले कहां बनाया गया? सबसे पहले इंग्लैंड में दोस्तों। सबसे पहले कहां बनाया गया? इंग्लैंड में। सबसे पहले इंग्लैंड में विकसित किया गया, इंग्लैंड में विकसित किया गया पॉलिस्टर को। और अगर पॉलिस्टर की दोस्तों बात करी जाए तो हम कहते हैं ये कैसे बना था कि पॉलीएस्टर। आप देखेंगे पॉलीएस्टर मतलब पॉली का मतलब बहुत सारे और एस्टर से बना होता है दोस्तों। तो कहते हैं कि कैसे बना होता है दोस्तों, हम कहते हैं कि एस्टर का संघनित बहुलक है। किसका? एस्टर का, एस्टर का संघनित बहुलक है। एस्टर का क्या होता है? ये संघनित बहुलक होता है, यानी दोस्तों एस्टर के बहुलकीकरण से बनता है। जैसे आप देखिए हाइड्रोक्स, अब एस्टर क्या दोस्तों होता है? यहां आप देखिए हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल दोस्तों, और इसके साथ साथ यहां हम कहेंगे कार्बोजिलिक अम्ल, कार्बोजिलिक अम्ल। तो कार्बोजिलिक अम्ल, कार्बोजिलिक अम्ल दोस्तों, और हाइड्रोक्सिल COOH दोस्तों। अब देखिए इन दोनों से दोस्तों कैसे बनता है? इन दोनों से ये प्राप्त होता है। और इसके बारे में हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हम बोलते हैं ये धुलने में बहुत सहायक होता है। धुलने में क्या है? सहायक है दोस्तों। हालांकि सब धुलने में सहायक होते हैं, लेकिन ये विशेष तौर पर दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल सिकुड़ता नहीं है, सिकुड़ता नहीं। यहां मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों, वो ये है कि हम लोग कैप्सूल खाते हैं, उस कैप्सूल का जो आवरण होता है वो कैसे बना होता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग, कैप्सूल जो हम खाते हैं, कैप्सूल का आवरण, बल्कि दोस्तों इसका एग्जाम्पल नहीं समझिएगा कि ये पॉइंट जो है पहले का है, छूट गया है। तो आप दोस्तों यहां पर क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे यहां पर कि पॉलीकैप्रोलैक्टोन होता है, पॉलीकैप्रोलैक्टोन, कैप्रोलैक्टोन जो हम लोग कैप्सूल खाते हैं, PCL दोस्तों, ये होता है पॉलीकैप्रोलैक्टोन होता है। और देखिए जो जब सर्जरी होती है दोस्तों, जब सर्जरी होती है तो सर्जरी में क्या होता है? सर्जरी में टांके लगाते हैं, सर्जरी में टांके जो लगाते हैं वो टांके दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक टांके ऐसे जिनको बाहर निकालना पड़ता है, जिनको काटना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, एक जो स्वयं उसी में गल जाता है दोस्तों। एक क्या होता है? पॉलीलैक्टिक अम्ल, पॉलीलैक्टिक अम्ल दोस्तों, पॉलीलैक्टिक अम्ल का जो टांका होता है PLA, ये ऐसा टांका होता है दोस्तों जिसको हटाना पड़ता है, यानी काट कर हटाना पड़ता है। और यहां अगर आप देखेंगे जो नेक्स्ट दोस्तों क्या होता है? पॉली, यहां होता है पॉली ग्लाइकोलिक अम्ल, पॉली ग्लाइकोलिक अम्ल दोस्तों, एक ऐसा टांका होता है, ये ऐसा टांका दोस्तों होता है जिसको बोलते हैं PGA बोलते हैं दोस्तों। इसको हटाना नहीं पड़ता, ये हटाना नहीं पड़ता, यानी क्या होता है? ये गल जाता है, हटाना नहीं पड़ता दोस्तों, ये क्या होता है? गल जाता है। दो प्रकार के टांके बनते हैं चिकित्सा विज्ञान में, आप देखिए एक को हटाना पड़ता है दोस्तों, एक को हटाना नहीं पड़ता। ये पॉइंट्स आपके संज्ञान में होना चाहिए, इसको आप जानते रहिए। तो दोस्तों ये हो गया आपका जो है पॉलिस्टर के जो एग्जाम्पल। देखिए यहां पर पॉलिस्टर दो प्रकार का होता है, ये भी आप जानते रहिए दोस्तों। क्या होता है पॉलिस्टर का जो प्रकार है, प्रकार दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। पहला इसमें क्या आप देखोगे दोस्तों, फर्स्ट क्या होता है इसमें? डेक्रॉन, जो इसमें पहला होता है वो क्या होता है? डेक्रॉन होता है। अगर डेक्रॉन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेक्रॉन। फर्स्ट दोस्तों क्या है? डेक्रॉन है ये। और अगर बात करें कि डेक्रॉन को हम कहते क्या है दोस्तों, इसको हम कहते हैं टेरिलीन दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं टेरिलीन,
इसको हम क्या बोलते हैं, टेरिलीन कहते हैं। डेक्रॉन का ही नाम क्या है, टेरिलीन दोस्तों है। और अगर बात करें डेक्रॉन की दोस्तों, कहते हैं कि लोकप्रिय पॉलिस्टर क्या है, यही है सबसे लोकप्रिय पॉलिस्टर दोस्तों क्या है, यही है। अभी आप सोचेंगे क्यों ये यही है, क्योंकि इसका उपयोग बहुत जगह पर होता है। ठीक है दोस्तों, ये कैसे बनता है, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल को जब हम दोस्तों मिलाते हैं टेरेथलिक अम्ल के साथ, तब जाकर के ये बनता है। यानी एथिलीन ग्लाइकोल दोस्तों, और देखिए कहते हैं कैसे बनता है कि एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथलेट से मिलकर दोस्तों बना होता है, इन दोनों से मिलकर दोस्तों ये बना होता है। तो ध्यान देना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों हम कहेंगे, बल्कि इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, बल्कि इसको हम दोस्तों ऐसा भी कह सकते हैं कि यह डाइएमीन या डाइमेथिल टेरेथलेट से मिलकर के बना होता है। और यहां पर इसका यूज पूछता है कि आखिर इसको हम कहां कहां यूज में ला सकते हैं दोस्तों, इसका यूज क्या क्या है, कहां कहां इसको हम प्रयोग में लाते हैं। देखिए हम कह सकते हैं सबसे पहला कपड़ा दोस्तों, कपड़ा कैसे बनता है, इससे, यानी कपड़ा इससे बन सकता है। और आप जब हेलमेट लगाते हैं, जब हेलमेट आप लगाते होंगे, जो हेलमेट के सामने का कांच होता है, हेलमेट का सेफ्टी ग्लास दोस्तों कैसे बनता है, सेफ्टी ग्लास वो इसी का बनता है। तो हेलमेट का सेफ्टी ग्लास कैसे बनता है दोस्तों, डेक्रॉन का बना होता है दोस्तों। और देखिए नाव जो बड़ी बड़ी होती हैं, तो नाव में आप देखेंगे कि कुछ नाव ऐसी होती है जिसमें बड़े बड़े कपड़े लगे होते हैं, बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना जो नाव को सपोर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पाल। तो नाव की पाल दोस्तों इसी की बनी होती है। और यहां तक कि मैग्नेटिक जो टेप होते हैं दोस्तों, वह भी कैसे बनते हैं, इसी के बने होते हैं। और अगर आप एक काम करेंगे, अगर आपके पास डेक्रॉन है, अगर दोस्तों इस डेक्रॉन में आप मिला देंगे कॉटन, ठीक है ना दोस्तों, कपास, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेरिकॉट। देखिए टेरिकॉट, टेरी मतलब टेरिलीन, कॉट मतलब कॉटन, टेरिकॉट बन जाएगा दोस्तों। अगर इसमें मिला देंगे हम ऊन, डेक्रॉन में अगर मिला दिया हमने ऊन, तो इन दोनों के मिलने से दोस्तों क्या बन जाएगा, मिल जाएगा टेरी ऊल। टेरी मतलब टेरिलीन, ऊल मतलब ऊन, दोस्तों क्या बन जाएगा, टेरी ऊल बन जाएगा। तो टेरी ऊल दोस्तों बन सकता है इससे, और ऐसे बन जाएगा टेरिकॉट। तो टेरी ऊल और टेरिकॉट दोस्तों कैसे बन सकता है, डेक्रॉन कपास और ऊन के मिलने से बन सकता है। देखिए एक प्रकार का पॉलिस्टर और भी, जिसको हम बोलते हैं पेट दोस्तों, या इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीएथिलीन टेरेथलेट। नंबर सेकंड दोस्तों क्या होता है, पेट होता है, पेट यानी कि पॉलीएथिलीन टेरेथलेट। ये देखिए होता है दोस्तों, तो ये इसको हम बोलते हैं पीईटी। ये भी क्या एक प्रकार का पॉलिस्टर है। अगर बात करें हम इससे क्या बनाते हैं, तो दोस्तों आप कहेंगे पानी की जो बोतल होती है, कुछ पानी की जो बोतल होंगी वो कैसे बनती है, पॉलीएथिलीन टेरेथलेट से बनी होती है। पानी की कुछ बोतल दोस्तों, सब बोतल नहीं बल्कि पानी की कुछ बोतलें इसकी बनी होती हैं। अब जो आखिरी वाला है बहुलक, जो आखिरी वाला सिंथेटिक फाइबर दोस्तों होता है, उसका नाम देखिए क्या है, उसका नाम नंबर फोर जो है दोस्तों, उसका नाम क्या है, एक्रिलीन। दोस्तों एक्रिलीन जो होता है, यह भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। अगर बात करें कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन दोस्तों कैसे बनती, तो एक्रिलो नाइट्राइल का बहुलक है दोस्तों, यानी कि यह किसका बहुलक है, एक्रिलो नाइट्राइल का बहुलक है। इसके बहुत से अणु मिल करके एक्रिलीन का निर्माण कर देते हैं दोस्तों। और कैसा दिखता है, यह ऊन की तरह होता है, ऊन की तरह मुलायम होता है,
होता है? मुलायम होता है दोस्तों, मुलायम होता है और चमकदार होता है, चमकदार होता है और क्या होता है, हल्का होता है, यानी बिल्कुल ये ऊन की तरह ही दिखता है, दिखता भी ऊन की तरह है, होता भी ऊन की तरह है, मुलायम होता है, चमकदार और हल्का भी ऊन जैसा दोस्तों होता है, परंतु ये ऊन से सस्ता है, ऊन से सस्ता है। कभी कभी क्या होता है ना, दुकानदार जो होता है वो हम सबको क्या करता है, मूर्ख बनाता है, बेवकूफ बनाता है, और बेवकूफ कैसे बनाएगा, कहेगा देखो ये क्या है, ये है ऊन, बट वो ऊन होता नहीं है, वो क्या होता है, एक्रिलिन होता है, और हम सब भी उसकी बात सुन लेते हैं। और दोस्तों इसका यूज कहां होता है, देखिए इससे क्या बनता है, जैकेट, इससे क्या बनता है, स्वेटर, दोस्तों इससे क्या बनता है, गर्म कपड़े, गर्म कपड़े इससे बनते हैं, तो गर्म कपड़े बनते हैं, जैकेट बनता है, स्वेटर बनता है, कंबल बनता है, कंबल दोस्तों कैसे बनता है, एक्रिलिन के द्वारा। तो ये रहे सिंथेटिक फाइबर। अब यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे एक और फाइबर है जिसको हम कहते हैं नंबर थर्ड, मिश्रित रेशे। मिश्रित रेशे ये ऐसे रेशे हैं, इनमें देखिए प्राकृतिक रेशे भी होंगे और कृत्रिम रेशे भी होंगे। तो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों के संयोग से, प्राकृतिक व कृत्रिम इन दोनों के संयोग से हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं दोस्तों मिश्रित रेशा, यानी प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा जब दोनों मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या बनेगा, इनके मिलने से बनता है संयुक्त रेशा दोस्तों, यानी मिश्रित रेशा बनता है। जैसे हम कहेंगे इसमें पहला क्या है, टेरिकॉट है, पहला क्या है, टेरिकॉट है दोस्तों, फिर क्या है, टेरी ऊल है, टेरी ऊल है, और इसके बाद दोस्तों क्या बनता है, यहां पर टेरी सिल्क बनता है। टेरी सिल्क क्या होता है, देखिए टेरी सिल्क बनेगा, और दोस्तों फिर क्या बनता है, यहां पर कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर बनता है इसी के द्वारा, कॉटन फाइबर बनेगा दोस्तों, और क्या बनता है, आर्नॉल बनता है, देखिए यहां पर आर्नॉल बनेगा, टेरिलिन और कॉटन, टेरिलिन और ऊन, टेरिलिन और रेशम, कॉटन और रेशा दोस्तों ये बनता है। और यहां पर जो बात करूंगा मैं, ये सभी क्या है, ये सभी मिश्रित रेशे हैं, इसके बारे में जानते रहिए। और रही बात बुलेट प्रूफ जैकेट की दोस्तों, तो वो कैसे बनता है, थर्मोप्लास्टिक उसमें मिला होता है, थर्मोप्लास्टिक मिला करके, पॉलीकार्बोनेट मिला करके, उसमें ग्लास भी होता है और केवलर होता है, तो चार चीजें मिलकर के बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों आज जो आपने पढ़ा ये रेशे का टॉपिक था, तो आज रेशा पूरा आपने समझ लिया कि रेशा कितने प्रकार का दोस्तों होता है, रेशे कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन कहां कहां से आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए यहां से प्रश्न कई बार आया हुआ है, अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे या ऐसे नोट्स बनाएंगे तो क्वेश्चन आपका यहां से बचने वाला नहीं है। और दोस्तों यदि आपको हमारी बैच से जुड़ना है तो निसंदेह आप बिना संकोच किए आप हमें आरओ एंट्री आरओ एआरओ लिख करके 7394926623 इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और आपको तुरंत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए आज रेशे के टॉपिक के साथ मैं यहां पर इसे समाप्त करता हूं दोस्तों, और जल्दी ही हम मिलेंगे और बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जहां पर बताऊंगा मैं आप सभी को कि प्लास्टिक क्या होती है और विस्फोटक क्या होता है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।